देखने में बहुत मजा आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं इसकी। Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing great. और आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी सनी है। हम लोग आज घूमने के लिए निकले हुए हैं और इतने टाइम से पेंडिंग था कि हमें जाना था ओशियन पार्क, तो हम लोग जाने लगे ओशियन पार्क। अभी हम लोग MTR से आए हैं और हमारे साथ थोड़ा सा बीच में मिसहैप हो गया था। हम लोग पहले इससे पहले एक घंटा पहले यहाँ पे आए थे और क्योंकि हमें थर्ड बूस्टर डोज की वैक्सीन ही लगी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि बूस्टर डोज जिनका नहीं लगा वो अंदर नहीं जा सकते। तो फिर हमने इमीडिएट बेसिस पे दोबारा से गए हैं। यहाँ पे एक नॉर्थ पॉइंट है तो हम लोग ने वहाँ जाके वैक्सीन लगवाई थर्ड डोज और अब हम दोबारा से यहाँ पर आए तो चलते हैं। अच्छा जी, तो ये इस तरह का एरिया है एंट्रेंस पे और सबसे पहले यहाँ पे जाके हमने सिक्योरिटी चेक कराना है। पहले यहाँ से सिक्योरिटी चेक होगा एंड देन वी हैव टू बाय द टिकट फर्स्ट। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से टिकट ले रहे और टिकट लेके फिर हम लोग एंटर होते हैं यहाँ से। थैंक यू। अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले बैठ के खाना खा रहे हैं। हमने कहा पहले कुछ खा भी लेते हैं फिर अंदर जाते हैं क्योंकि दोपहर हो गई है और भूख लगी हुई थी। हमने थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट किया क्योंकि हम लोग जो पहले वैक्सीन लगाने चले गए थे वहाँ पे ज़रा टाइम लग गया हमें, एक घंटा तकरीबन। खैर एनीवे, एक अच्छा ही हुआ है हमने वैक्सीन भी लगवा ली। और अभी मैं ये बिरयानी बना के लाई थी तो हम लोग ये बिरयानी खा रहे हैं। और अच्छा, मैं आपको टिकट का बताने लगी थी कि टिकट पर पर्सन चार्जेस 360 थे और उसमें इन्होंने अपने वेबसाइट पे इनकी 45th एनिवर्सरी के कोई पैकेजेस इन्होंने शो किए हुए हैं जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ आईडी कार्ड कोई स्पेसिफिक डिजिट, अगर वो एंडिंग डिजिट आपके आईडी कार्ड में वही वाला आता है तो उस पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो मुझे 50% ऑफ मिला है और फाहद को जो है 20% ऑफ मिला है। अदरवाइज़ जो टिकट है पर पर्सन वो 360 है। तो खैर, मैं आपको खा पी के फिर मिलती हूँ। बाय बाय। ये राइस खा रही है, इनको भी लगता है मेरे हाथ की बिरयानी अच्छी लग गई है। अच्छा, ये इनका मैप है और ये हमने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पे हमने विज़िट करना है तो यहाँ पर है। और अभी हम लोग हैं इस वक्त यहाँ पर, यू आर हेयर। ये मोबाइल पे भी ना डाउनलोड हो जाता है मैप इसका, तो आप साथ साथ बस फॉलो करते रहो। लेकिन अभी जो मुझे सामने नज़र आई है वो ये है, द ग्रैंड एक्वेरियम। तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले यहाँ चलते हैं। अच्छा, ये अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं यहाँ पर और ये इसकी एंट्रेंस है। इधर से जाते हैं, लेट्स सी क्या है। ओह वाओ, शुक्र है अंदर जो है मौसम अच्छा है, बाहर तो बहुत सा गर्मी लग रही थी। ये एक और फिश है, इसका नाम है कॉमन फॉक्स फेस। और ये देखें ऐसे ही है बिल्कुल, आगे से इनका ब्लैक और वाइट पैटर्न है इनके फेस का और पीछे से येलो है। आप एक फिश आ रही है, इसको देखें। डिफरेंट लग रही है, इसकी टेल भी है। ये स्टार फिश है ऊपर। यहाँ पे अभी पूरा अंधेरा हो गया और ये देखें, ओह माय गॉड, ये वाली देखें कितनी बड़ी है, कहाँ गई, कितनी बड़ी है इसके अंदर। तो ये छोटी छोटी हैं, कहाँ है वो देखें, वो देखें यार, ये क्या है इतना बड़ा। ये देखिए, ये छोटा सा सी हॉर्स भी आ गया, वो कितना प्यारा है। सी हॉर्स, हेलो। ये देखें सी हॉर्स। ये आप लोग चेक करें कितनी ज्यादा है, भरी पड़ी है इसके अंदर। अगर मैं सिर्फ इन ग्रैंड एक्वेरियम का ही वीलॉग बनाऊँ, एक अलग से वीलॉग बन जाएगा क्योंकि ये तो
एक एक मछली पे अगर डिस्क्रिप्शन दें तो ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कितना बड़ा स्पाइडर क्रैब है, इसे कहते हैं मॉन्स्टर क्रैब, जाइंट स्पाइडर क्रैब, ये वाला। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, एक ये बैठा हुआ है और एक ये बैठा हुआ है। सेकंड, इस पर फ्लैश बनू, ये नजर आया, देखो, एक ये बैठा हुआ है और एक ये बैठा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग बाहर आ गए, इस तरह से ना फ्रेम करके भी ये लोग देते हैं, तो अभी हमारा इस तरह से फ्रेम आया इनके पास। तो ये ग्रैंड एक्वेरियम तो बहुत ज़बरदस्त था, यहाँ पे हमें बड़ा मज़ा आया। और अभी यहाँ पे देखे पीछे स्टफ टॉयज डिफरेंट रखे हुए, ये पूरी शॉप है, यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट स्टफ टॉयज मिल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। यार मुझे मैग्नेट लेना है, ये थे मज़े के बबल्स बना रहे हैं यहाँ से। अच्छा, अभी ये नेक्स्ट जगह आ गई है एशियन एनिमल्स की, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं। आई हर्ड कि यहाँ पे पांडास होते हैं, तो मंकी नजर आ गए हैं, मंकी लग रहा है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे पांडास देखने आए थे और ये पूरी जगह खाली हुई है, यहाँ पे कोई पांडा नहीं है। आई थिंक कि इसके अंदर ना एक उन्होंने रूम बनाया हुआ है, तो मे बी वो वहाँ पे सो रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सामने नजर नहीं आया हमें। तो आई थिंक और लोग भी यहाँ वेट कर रहे हैं, तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर पांडा। कैमरास पकड़ के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, और पांडा आने का नाम नहीं ले रहा, तो हमने सोचा कि हम भी 5-10 मिनट वेट कर लें, मे बी अगर आ जाए तो हम देख लें उसको। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा लाइव पांडा को देख लूँ, जो कि मैंने अभी देखा नहीं। सो ऐसे फिर भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये निकले, देख रहे हैं आप लोग जगह बनी हुई है, मुझे लगता है इधर अंदर चला गया। अच्छा, ये पांडा की डिटेल दी हुई है, इस पांडा का नाम है आनन। ये तो अभी हम लोग क्यू में खड़े हुए, खुल गया दरवाज़ा खुल गया। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ये अभी हम लोग ओशियन एक्सप्रेस में आ गए, ये ट्रेन है और ये पानी के अंदर से लेकर जाएगी, और यहाँ से हम लोग विंडो से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, जल्दी से बैठ जाते हैं। सो फिर मैं आप लोग को बैक साइड से व्यू दिखाती रहूँगी, लेकिन जब ये चलेगी ना तो अंधेरा हो जाएगा फिर। ये देखें, ये इस तरह से है ओशियन एक्सप्रेस, अब ये ट्रेन पानी के अंदर से जाएगी। लेके ये डोर्स बंद हो गए हैं इसके, तो ये जालिम किस्म की धूप पड़ रही है ना कि देखा तक नहीं जा रहा। और अभी हम लोग यहाँ पे आए, मैं आप लोगों को बैक व्यू दिखा, ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। अच्छा, ये जो अभी हम लोग ओशियन एक्सप्रेस से आए हैं, इससे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, हमें लगा शायद ये पानी के अंदर से लेकर जाएगी और कोई आसपास में डोसे फिशेस वगैरह नज़र आएंगी, पर कुछ नज़र नहीं आया। और ये जो सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है ना पाइप्स वगैरह, ये इसका जो वाटर पार्क है, ये वो है वाटर पार्क, में आप लोगों को अलग से जाना पड़ता है, और जहाँ हम लोग आए हुए हैं वो अलग से जगह है। तो अब हम जाने लगे हैं राइड्स पर, और बड़े मज़े की राइड्स हैं, जानलेवा किस्म की। अगर आप लोग को थ्रिल का शौक है तो तब यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा राइड्स लेने में। मैंने कराची में जो बहरिया टाउन है उसकी राइड्स ली थी अपनी कज़न्स के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, स्पेशली जब फैमिली के साथ होते हैं और सब आप लोग जब डर रहे होते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पर आ गए डिफरेंट राइड्स, तो अभी हम लोग ये सब ट्राई करने वाले हैं इंशाल्लाह। पहले हम लोग बैठे लगे हैं इसमें, और ये इस तरह का झूला है, इसका नाम है फ्लैश। चलो यहाँ बैठ जाते हैं। अभी हम लोग इस वाली राइड में बैठने लगे हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है राइट टू दैट कॉर्नर। तो अभी हमने यहाँ से फ्राइज़ और पिज़्ज़ा लिया है छोटा सा, ये हम खाने लगे, फिर और राइड्स में जाएंगे। अभी तकरीबन 4 बजने वाले हैं और थोड़ी सी धूप कम हुई है, तो हम लोग कुछ खा लें और फिर उसके बाद नेक्स्ट 2-3 झूले और रह गए, फिर हम उसमें जाएंगे। अभी हम लोग इस वाली राइड में जाने लगे हैं, हेयर रेजर, जैसे रोलर कोस्टर टाइप की है। यहाँ पे ना एक उस साइड पे राइट साइड पे जो है सील है, और उनको फिशेस भी फीड कर सकते हैं, और इस तरफ जो है वॉलरस है, इतने बड़े बड़े, ये देखें इतने बड़े वॉलरस हैं,
और ये ऊपर आते हैं, इनसे ऊपर चढ़ा नहीं जाता, फिर ये दोबारा से पानी के अंदर गिर जाते हैं। अभी हम लोग आए हैं सीगल के पास, ये देखो डुबकियां उल्टी हो के लगा रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो ऊपर ये जाया जा रहा है, इतना भारी है वो। कहाँ गया? शायद इस तरफ है, इस तरफ है वो आ रहा है। ये देखो अभी आएगा। आखिरकार वो इतनी कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की, चढ़ गया चढ़ गया। ओ माय गॉड, ये देखे OMG, ये देखो चढ़ गया, चला गया अंदर घसीट घसीट के। देखे वो देखे। हाय वो ऑलवेज देखे तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। और ये जो इनको खाना खिला रहे हैं, इन्होंने भी देख लिया था कि मैं इतनी देर से खड़े होकर इन्हीं को ही देखे जा रही थी, तो ये इनको हमारे करीब ले आए। Oh my God, ये देखो यहाँ पे ले आया खाता जा रहा है। बाय बाय भी कर रहे पानी फेंक रहा मुंह से। ये सीगल टाइप ये देखे। अच्छा बर्फ में रखी है उसने मछली उनके लिए, तो ऊपर आके खाए। अच्छा 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 ये देखो खाना खाने तमाशे, मछलियाँ खा रहे हैं। कैसे मजे मजे से चलांगे मारी हुई। यहाँ पे केयर टेकर्स इतने अच्छे हैं कि वो देखते हैं कि लोग आके वीडियोस बना रहे हैं तो जानबूझ के फिशेस बाहर फेंकेंगे या उनको हमारी तरफ लेकर आएंगे, तो ताकि लोग जो है उनकी वीडियोस पिक्चर्स बना सकें। तो बड़ा मज़ा आया ये देख के। और यहाँ पे ना डॉल्फिन्स भी हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम लोग डॉल्फिन वाले एरिया पर जाएँ। वो इस एरिया में नहीं, दूसरे एरिया में, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। और एक अभी जो मेन चीज़ रहती है वो केबल कार में हमने बैठना है, तो वहाँ जाते हैं। आगे हैं डॉल्फिन एक्सप्लोरेशन साइट पे, और होपफुली यहाँ से हम लोग कोई डॉल्फिन देख लें। फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक, और अभी हम लोग वापस आएंगे केबल कार्स में। ये देखें केबल कार्स के लिए जो है यहाँ लाइन लगी हुई है, और अच्छे खासे लोग हैं जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सो गाइज, फाइनली आज का आखिरी टास्क ये था कि हम लोग केबल कार में बैठें, और यहाँ पे जो ओशियन पार्क के टाइमिंग्स हैं वो 6 बजे तक हैं। अभी 6 ऑलमोस्ट बज गए हैं, और अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की जहाँ पे हम लोग राइड्स लेने आए हुए थे यहाँ से वापस जाने के लिए। तो हमने ये वाली राइड पे बैठे थे जो मैंने आप लोग को दिखाई थी ना, इट वॉज क्रेजी। इतनी कोई गंदी थी मैंने पूरी राइड में आंखें बंद करे रखी, क्योंकि वैसे हिल रही थी ना, गड़गड़ गड़गड़ उसमें से आवाज़ें आ रही थी, और जैसे लग रहा था कि बस ब्रेन वाइब्रेट हो रहा है और आप आसपास कुछ देख नहीं सकते थे, तो इट वॉज टेरेबल। लेकिन खैर हमने इंजॉय किया बाकी जहाँ पे भी हम लोग गए। स्पेशली मुझे वो वॉलरस और जो सीगल्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। डॉल्फिन्स बस सही थी, मैंने इतनी ज़्यादा कोई इसकी फिल्म भी नहीं बनाई क्योंकि वो मज़ा नहीं आया उनको देख के मुझे कोई खास। और अब ये वाली जो केबल कार है इसका व्यू बहुत खूबसूरत है, तो अभी शुक्र है मौसम भी अच्छा हो गया है। आज की अच्छी बात ये थी कि हमने यहाँ पे घूम लिया, लेकिन बुरी बात ये थी कि बहुत तेज़ किस्म का सूरज था, इट वॉज अ सनी डे, और बहुत सारी गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग ने कोशिश की कि हम लोग इस दिन का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। ओके एनीवे, मैं आप लोग को बैक व्यू दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर जर्नी, और आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।